ओहो आमिर सिद्दीकी। पिछले वीडियो में मैंने आमिर सिद्दीकी की बहुत तारीफ की थी कि आमिर सिद्दीकी दिल का बहुत अच्छा है, आमिर सिद्दीकी दिल का बुरा नहीं है, बस हक देता है। लेकिन नहीं, आमिर सिद्दीकी साला दिल का भी बुरा है। हटो रहा है। I take my words back। आमिर सिद्दीकी मैंने तेरे को देव मानुष समझा था, तू तो हरामी निकला। आमिर यार क्यों करता है ऐसा। तो आज सुबह भी मैं उठा तो भाई मेरा व्हाट्सएप भर गया, मेरा इंस्टाग्राम भर गया, मेरा यूट्यूब भर गया। मैं आमिर सिद्दीकी की कॉल रिकॉर्ड, मतलब सुना है वही ना जिसपे केस होता है। बोले नहीं, आमिर सिद्दीकी की एक नई कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई है। मैं बोला चलो सुनते। ये बंटा है, मतलब आज मेरी भजी है तो तुम लोग मजे ले रहे, लेना सही है ले लो, मजे ले लो। दोस्त लोग ही है तुम लोग, दोस्त लोग मजे नहीं लेंगे तो कौन लेगा। जोक्स अपार्ट, लेकिन जैसा तुम लोग ने बोले कि वो कैरी है, तो भाई कोई भगवान नहीं है, कैरी मिनाटी है, वो भी एक इन्फ्लुएंसर ही है। 6 साल मेहनत किया है तो आज उसका नाम हुआ है। अपन 1 साल में मेहनत करके इतना है, बट इसकी बहन की अभी अपना डिस्क आ रहा है, इसको डिस्क करेंगे अपन। एक मिनट, डिस्क आ रहा है अभी, अपना डिस्क आ रहा है। और बाकी रमजान था, इसके लिए चुप बैठा था, गाली गलौज नहीं कर रहा था, लेकिन अब करूंगा मैं रमजान के बाद, जो ट्रैक रेडी कर रहा हूँ ना उसके लिए। तो ये को बताऊंगा मैं कि तू गाली जो दे रहा है ना, वो गाली में PhD करके बैठे हम लोग ने, तो इसके कान से खून निकाल के इसकी नहीं मार। मेरा नाम आमिर नहीं। अच्छा तो आमिर भाई बना रहे एक डिस ट्रैक कैरी मिनाटी पे, चलो ठीक है मान लिया, हक के आमिर भाई को डिस ट्रैक बनाने। एंड आई एक्सपेक्ट कि आमिर भाई के डिस ट्रैक में फैक्ट्स होंगे, जैसे डिवाइन के सॉन्ग्स में होते हैं, भंटाई के सॉन्ग्स में होते वगैरह। नहीं, वीडियो में पॉइंट देने ही नहीं वाला हूं ना, सिर्फ गाली दे रहा हूं ना मैं भड़वे को, तो ऐसी गाली दूंगा ना भंटाई उसको, तो मैं सीधा यही बोलने वाला हूँ, तेरी माँ को क्या कुत्ते ने, जो तू कुत्ते की तरह भोकते रहता है यहाँ पे YouTube पे भड़वे। और फिर ये एक पॉइंट हो गया, फिर ये एक पॉइंट हो गया। देखा आपने कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डिस्ट्रैक्ट में भाई कैसे डालेगा मैं वो सोच रहा हूँ। फिर एक पॉइंट रहेगा कि कैरी मिनाटी सोच, कल को तेरे बच्चे जब स्कूल जाएंगे और टीचर पूछेगी कि तेरा बाप क्या करता है, तो तेरा बच्चा टीचर को क्या बोलेगा कि लोगों की माँ करता है और गाली गलौज करता है मेरा बाप। आमिर भाई एक्सेप्ट कर रहा है कि कैरी भाई ने उसकी माँ कंट्रोल उदय। और भाई ये कौन है, ये CID वाला है क्या, किधर से निकाला इसने ये भाई, ये एक्चुअली बहुत पर्सनल कॉल लग रहा है, पता नहीं किधर से निकाल रही है पब्लिक इन आमिर भाई की। तो चलो, तो आमिर भाई बनाएंगे डिस ट्रैक कैरी मिनाटी पे, सब खत्म हो रहा है, होने दो ना खत्म यार। क्यों इस बार तो तुम आग में घी नहीं, आग में भाई पूरा पेट्रोल डाल के तुम पूरा शहर भी नहीं, तुम पूरा टिकटॉक जलाने वाले हो। अभी देखो आप डिस्क बनाओगे तो कैरी भाई भी सामने से डिस्क बनाएगा ना, कैरी भाई का तो दूसरा काम है म्यूजिक बनाना, कैरी भाई ने तो पीडी भाई को डिस्क कर दिया, तो तू कौन है बे। एक साइड आप आके यूट्यूब पे संत आदमी बनते हो और एक साइड कॉल पे ऐसी बातें करते हो। आमिर भाई हमारे इन्फ्लुएंसर है, जो सोचते हैं कि हम हमारी फ्यूचर जनरेशन को अच्छे से इन्फ्लुएंस करें। हम लोग फोकस करते हैं कि हम लोग के वीडियो से लोगों को सीख मिले। ओके ग्रेट, कि क्योंकि हम लोग को जो लोग देख रहे हैं उनका एज होता है 14 to 24, दैट इज फ्यूचर जनरेशन ऑफ इंडिया। वीडियो में पॉइंट देने ही नहीं वाला हूँ ना, सिर्फ गाली दे रहा हूँ ना मैं भड़ू। ऐसे इन्फ्लुएंस करेगा तू, देख रहा है बबलू कौन सा कंटेंट बना के इन्फ्लुएंस करेगा। और आमिर भाई के बोल बच्चन, लोगों को सीख मिले इसलिए हम लोग फोकस करते हैं कि हम लोग के वीडियो से लोगों को सीख मिले। ओके ग्रेट, कि क्योंकि हम लोग को जो लोग देख रहे हैं उनका एज होता है 14 to 24। आमिर भाई जब छपरी हो ना तो छपरी रहो, संत बनने की कोशिश मत करो, रियल रहो बे। पिछले वीडियो में तुमने आके बोला गाइस, ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का जो मसला चल रहा है, मैं इसको बढ़ाने के लिए नहीं, इसको खत्म करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी अपना डिस्क आ रहा है, इसको डिस्क करेंगे अपन। रमजान था, इसके लिए चुप बैठा था, गाली गलौज नहीं कर रहा था, लेकिन अब करूंगा मैं रमजान के बाद। जो आमिर सिद्दीकी तुम ना डिस ट्रैक के नाम पे साइबर बुलिंग कर रहे हो, कैरी ने जितनी पूरे वीडियो में गाली नहीं दी ना, ये भाई ने उतनी कॉल रिकॉर्डिंग में दे दी। आमिर भाई सच बोल रहा हूँ, तुम खुद तो डूबोगे, बाकी टिकटॉक वालों को भी लेके डूबोगे। उधर देखा नहीं है टेक्निकल गुरु जी भड़क गए, सब फोन से टिकटॉक डिलीट कर दिया। टिकटॉक फोन में ऑलरेडी रहता नहीं है ना, इंस्टॉल करना पड़ता है। चलेगा तो सब इंस्टॉल करके डिलीट किया टेक्निकल गुरुजी ने, देख रहे उधर हिंदुस्तानी भाव ने पूरा अपना टिकटॉक अकाउंट डिलीट कर दिया है। अभी भी क्या हुआ हिंदुस्तानी भाव अपनी साइड में, और ये भी मालूम पड़ा है कि हिंदुस्तानी भाव का भी 2 वीडियो डिलीट हो गया है। और हमने कुछ भी किया टक्कर से हमारे चैनल उड़ा देते, हमारे वीडियो उड़ा देते, मेरा 2 वीडियो उड़ाया, क्यों उड़ाया YouTube? नहीं, मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टीम 07 का भी डिस ट्रैक आएगा। बाय द वे मिस्टर फैजू का न्यू सॉन्ग आया, ट्रेंडिंग नंबर 1, वो भी न्यू चैनल। इधर मैं 5 साल से वीडियोस बना रहा है, एक बार ट्रेंडिंग में नहीं आया। मैसेज किया तो मेरे को भगा दिया यूट्यूब वालों ने, बोला तुम्हारा वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं आ सकता है। इधर मिस्टर फैजू ने एक वीडियो डाला, वो भी 30 सा वीडियो, जिसपे डिसलाइक का रेशियो देखो आप, उसको ट्रेंडिंग में लाया। बाय द वे
एंगेजमेंट। किधर है भाई 20 मिलियन फॉलोअर्स? और तो और उधर सिद्धू मूसेवाला को 14 घंटे में 30 लाख व्यूज आए, लेकिन भाई वो ट्रेंडिंग पेज पे नहीं है। लेकिन इधर मिस्टर फैजू जिसको 24 घंटे में 22 लाख व्यूज आए थे वो ट्रेंडिंग पे। व्हाट द फैजू। और कसम से आई वोंट बी सरप्राइज इफ टीम 07 रिलीजेस अ डिस ट्रैक जिसमें बहुत सारी गालियां हो। यो सच बोले ना, वो अदनान है ना थोड़ा येड़ा है, समझा क्या? कौन है अदनान? पागल सा एक बंदा है, अगर वो बोल दिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 07 वो अदनान है ना, वो बहुत येड़ा है। वो येड़े को पेड़ा मिला था वो भी याद है। तो कुल मिला के आमिर भाई हक दिया वापस। आमिर भाई इधर आओ। एक पर्सनल सजेशन ले लो, कुछ दिन के लिए भाई अंडरग्राउंड हो जाओ। आई स्वेर प्लीज यार, किसी से बात भी मत करो फोन पे, चुपचाप एकदम अंडरग्राउंड हो जाओ, डायरेक्ट लॉकडाउन के बाद बाहर निकलो। लेकिन नहीं, आमिर भाई को तो डिस्क बनाने गए, यूट्यूब वालों के अगेंस्ट डिस्क बनाएगा। उधर एमवी बंटा आ गया ना टीम में, फिर समझ जाओ वो टेढ़ा है। और अगर तुम लोग मेरी थोड़ी सी भी इज्जत करते हो, इतनी सी भी इज्जत करते हो ना, चैनल को सब्सक्राइब मार दो। 5 दिन में 5वां वीडियो, ये इतनी मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके स्क्रिप्ट लिख के मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक सब्सक्राइब तो बनता है। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @Mahesh Keshwala। एंगेजमेंट। और भाई तुम्हारा क्या ख्याल है इस कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में और आमिर सिद्दीकी के बारे में, मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ। एंड सब्सक्राइब टू माय gaming/vlogging चैनल, उधर जल्दी से मैं गेमिंग भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उधर सब्सक्राइब नहीं किया तो उधर सब्सक्राइब मार के रखो। एंड मेरा रेडिट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो अगर तुम लोग मीम वगैरह बनाते हो तो रेडिट में मीम्स पोस्ट करो, जल्दी अपन मीम रिव्यू करेंगे पूरे सीन का, तो यस उधर मीम्स पोस्ट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज। Oh.